ग्राम को अभी बंदी अच्छा जी, अब हमने ये रेसिपी स्टार्ट की तो उसमें हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आउटडोर पे है तो फैसिलिटीज नहीं है बर्तनों की, जैसे भी बर्तन थे हमने इसमें मधुबस के कोयले जला दिए, कुछ हम इसमें पकाएंगे चिकन, कुछ हम उसी देखिए पकाएंगे। तो हमने ये बस 2 किलो चिकन है हमारे पास, सबसे पहले ऑयल डालेंगे देखिए, हमने 1 किलो प्याज लिए और इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, आधी हमने एक देगची में डाली, आधी हम दूसरी देगची में डालेंगे, अगर कोयले हमारे सही जल जाए तो फिर हम दूसरी देगची भी इस पर रखें और बाकी प्याज उसमें डालेंगे। इसको हमने ब्राउन करना है, जब ही ब्राउन हो जाएगी फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। ये इस वक्त हमने दोनों देगचियों में आधा आधा किलो प्याज डाल के और 250 ग्राम घी डाल के इसको चढ़ा दिया। अब ये ब्राउन होगी प्याज तो उसके बाद जो है हमने इसमें बाकी मसाला जार डाले वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, प्याज हमारी सुर्ख हो चुकी है और अभी वाले साहब मेरे बाकी रेसिपी बताएंगे कि किस तरह तो उनका आपका जायका भी सुनाना है। पहले मैं प्याज होगी सुर्ख ये तकरीबन 2 kg चिकन है, इसमें से हाफ चिकन हम एक देगची में और हाफ चिकन दूसरे में डालेंगे जी, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज है चूल्हे की और देगची होगी, आउटडोर पे हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहे हैं, तो मैं अभी हाफ चिकन इसमें डाल रहा हूँ जो प्याज सुर्ख हो चुकी है। पहले लहसुन का डाल, हमारे पास पीसने की भी सहूलत नहीं थी इसलिए हमने इसको क्रश किया है बारीक बारीक, तो ये अदरक है, ये लहसुन है, ये हमने तकरीबन 100 ग्राम ये और 100 ग्राम लहसुन लिए, अदरक और लहसुन 100 ग्राम, तो आधा हम एक देगची में और आधा एक देगची में डालेंगे। थोड़ा सा उसका जायका आ जाए के बाद उसको चिकन रखते हैं। एक प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, उसमें हमने लहसुन अदरक डाला है, खुशबू आ जाए उसकी तो उसके अंदर चिकन ऐड होगा। चिकन इसमें डाल दिया, हमने 1 kg चिकन इसमें डाल दिया जो प्याज ब्राउन हो गई थी, अब जैसी दूसरी प्याज ब्राउन होगी इसमें भी हम बाकी डाल देंगे। अब उसमें मसाला, अब इसमें मसाला जा शामिल करें, मिर्ची इतने 2 टेबल स्पून काफ़ी है, 2 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च डाल दें,
ये हमने इसके डाल के इसको भून रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। मिर्ची डाल के इसको मिक्स कर लें। इसमें आपने मिर्च मसाला चिकन डालने के बाद ही ऐड करना है। नमक आप हंस में जाकर रखिएगा जिस हिसाब से आपको ज़रूरत है। थोड़ा मसाला भून जाए तो उसके बाद इसमें हम दही और टमाटर ऐड करेंगे। आधा किलो दही और आधा किलो टमाटर इसमें ऐड करेंगे और उसको फिर पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर हमारे गल जाए। तो गलेंगे तो फिर उसके बाद इसकी भुनाई होगी। इसको 10 मिनट तक हम मसाले को पकने देंगे। इतने हम दूसरी जो प्याज हमारी ब्राउन हो रही है इसमें उसी तरीके से हमने सारे मसाला जहाँ तक चिकन डालना है तो भुनाई पे आ जाएगा। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। वाला कोई नहीं। एक किलो दही है, इसमें से आधा किलो इसमें डालेंगे, आधा किलो इसमें डालेंगे। दही इसमें ज़्यादा पड़ती है तो इससे ज़्यादा आता है। ये आधा किलो हमने बचा लिया अंदाजे से, तो ये इसमें ऐड हो गया। इसमें मैं अभी टमाटर भी डालूँगा। ये टमाटर जो है वैसे पीस के डलते हैं, हमारे पास यहाँ सहूलत नहीं पीसने की, तो हमने इसको इस तरीके से काटा साबित, तो आप लोग पीस के डालिएगा। आधा केजी टमाटर इसमें डालिए। जब ये टमाटर नरम हो जाएगा तो हम इसका छिलका अलग कर लेंगे और जब ये खुश्की पे आएगा तो इसका जो है हमने बुनाई कर ली है। आपका जायका सबसे बड़ी चीज़ होती है ये खाने में। ये भी यही है सरकड़ी की रेसिपी। इसमें अभी मसाला ऐड होगा। अभी वालदा का हाथ लग गया इसमें, मज़ीद इंशाल्लाह इजाफा हो जाएगा टेस्ट में। इस वक्त हम प्रोडक्ट में बैठे हैं और यहाँ के पकोड़े खा रहे हैं। यहाँ पे ये पकोड़े बनते हैं और जो भी लोग आते हैं वो पकोड़ों को यहाँ पे लाजमी खाते हैं। इस ये हरा धनिया हरी मिर्ची डालेंगे आधा, इसमें आधा जो हमारी पकड़ी है उसको डालेंगे। अभी भुनाई पे आ रहा हमारे हांडिया आस्ते आस्ते, इंशाल्लाह जैसे ये ऑयल इसका निकलता है तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी।
अच्छा जी व्यूवर्स, ये हमने कढ़ाई तैयार की है क्योंकि ये कोयलों पे हुई है, इसलिए इसने बहुत टाइम लिया है और तैयार होने के बाद आखिरकार ये रेडी हो गई है। तो ये इसकी लुक है, ये आप देख लें। तो आप लोग भी इसी तरीके से इसको बनाएं। तो अब हम इसको इंशाल्लाह ताला होटल में जाके खाएंगे क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हो चुका है और हम लेट हो चुके हैं काफ़ी, तो हम इस आउटडोर पे नहीं खा सकते। लिहाजा आपको सिर्फ दिखाना था कि इसकी ये लुक है। तो आप लोग भी इसी तरह से ये रेसिपी बनाएं, बहुत मज़ेदार बनी। इसके साथ ही शेफ दिमाग को इजाज़त दीजिए मज़ीद रेसिपीज़ के साथ। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जब तक मैं यहाँ पे हूँ क्वेटा में मज़ीद रेसिपीज़ शेयर करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ हमारी लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा तमाम आने वाली वीडियोज़ ताकि आपको वक्त मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।